रंग का पूर्वी वन क्षेत्र के बाहर 6 कुदर पीएफ से शुक्रवार की देर रात्रि करीब 2 बजे सखुआ का 23 पीस चौपाल पिकअप वाहन से दुलदुलवा ले जाए जाने के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर विमद कुमार ने पिकअप वाहन को मखातू गांव के समीप जब्त कर लिया। वहीं वाहन चालक एवं उसके साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत रेंजर विमद कुमार ने बताया कि रंका पूर्वी वन क्षेत्र के बाहुकुदर गांव के समीप जंगल से सखुआ का पेड़ काटकर चौपहल बनाकर मेराल थाना क्षेत्र के दुलदुलवा गांव निवासी लकड़ी माफिया सद्दाम अंसारी सीताराम पासवान एवं कुश कुमार पासवान आदि के द्वारा ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आलोक में तत्काल कार्यवाही करते हुए एक दर्जन वन कर्मियों के साथ तत्काल मखातू गांव के समीप पहुंचकर पिकअप वाहन को आने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पिकअप वाहन सड़क पर पहुंचा, उसे अवरुद्ध लगाकर गाड़ी को रुकवाकर जब्त कर लिया गया। पिकअप वाहन पर लदा 23 पीस चौपाल को बरामद कर 3 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बरामद लकड़ी की कीमत 50,000 रुपए से अधिक बताई जाती है। क्या मामला है सर? रात्रि में हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि लकड़ी का अवैध व्यापार किया जा रहा है, तो हम लोग दल बल के साथ पहुँचे और वहाँ पे हम लोग घात लगा के बैठे हुए थे और ये अपने पिकअप वाहन से 23 सखुआ का बोटा लिए हुए वहाँ से गुजर रहे थे। हम लोगों ने इनका पीछा किया और पीछा करने के क्रम में ये भागने का पूरा प्रयास किए। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।